हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सोमवार को करनाल में 4 नए केस आने से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। रसीन गांव के शख्स की मौत के बाद उसके बेटे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर और नर्स में भी वायरस की पुष्टि हुई। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मरीजों का आइसोलेशन में रखा गया है। करनाल में 4 और कोरोना के नए पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें से 2 हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो ज्ञान सिंह जी के संपर्क में थे। 1 ज्ञान सिंह जी के फैमिली मेंबर का केस पॉजिटिव आया है और 1 युवक का केस पॉजिटिव आया है जो बिरजपुर गांव से संबंधित रखता है। इन चारों के चारों लोगों को हमने कल्पना चावला में शिफ्ट कर दिया है और इनका इलाज शुरू हो गया है। इनके जो परिवार हैं उनको भी कल्पना चावला में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और उनके भी सैंपल्स लेकर के भेजे जाएंगे। जो 2 गांव जिनसे एक ऐसे संबंधित हैं, एक तो बिरजपुर है और दूसरा शेखपुरा सुहाना है, इन दोनों गांवों को सील कर दिया जाएगा। इनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है।